होती है। सैयदा हिबा अली शुरू हो गई है, बारिश शुरू होगी स्कूल में और ये मैडम जोंस ने यहाँ पे इंजॉय करने लग गई। ऑर्डर किया आज, ये आपको डोर स्टेप पे फ्राहम कर दिया इन्होंने और कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। अच्छा कि कंपनी बारिश के मौसम के बाद ना, बारिश के बाद पकौड़ों का ना मज़ा ही और है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हिबा के स्कूल का सारा सामान है, हिबा का स्कूल बैग, हिबा बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दिल घबरा ही जा रहा है मेरा, नींद नहीं आएगी। और कल मैं उसको किस तरह छोड़ती हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही कुछ भी, कभी मेरे बगैर रही नहीं है, सारी दुनिया के बच्चे जाते हैं मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल भी कौन दिल रहा, जो भी मेरे चैनल पर न्यू आई हूं उनको सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ ही बल्कि एक रूपर्स कीजिएगा ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपके बर्वक मजे कर भी ब्लॉग आप मिस मत करें। इस चैनल पर मैंने कहा कि मोस्ट रियलिस्टिक ब्लॉग जिसमें कोई फेक नहीं, कोई ड्रामा पसंद नहीं रहती है, एक सिंगल मेरे को रियल लाइफ में ये व्यूअर्स है मेरे की एक माँ बेटी के ब्लॉग मिलेंगे और कुछ भी नहीं होगा। सुबह के 8:05 टाइम बच्चा मेरा सो रहा है, स्कूल जाना, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए मैंने और अबाया वगैरह रखा हुआ है। हिबा मेरा बच्चा, हिबा उठ जाए, जान उठ जाओ, क्या स्कूल जाना ना जानू, एडमिशन नहीं जाना, एडमिशन के लिए जाना है ना, उठ जाए उठ जाए उठ जाए। बस ये अब उठते हुए थोड़ी सी लाट दिखाई थी, उठ जाओ हिबा, उठ जाओ मेरा बच्चा, उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आई हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा सेंटी हो गई थी, लाइक डॉक्यूमेंट्स, उसका डेट बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बे फॉर्म, साथ में CNIC की कॉपी मांगी थी उस शख्स की जिसका मैं सोचना भी नहीं चाहती, बट मैंने CNIC कॉपी नहीं देनी। उसकी रीज़न ये है, जब वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे दुनिया में किसी भी तरीके से, तो आई डोंट थिंक उसको कॉपी कोई वैल्यूएबल है। बाप है, नो डाउट बाप है, उसका नाम लगा हुआ है साथ, इतना काफ़ी है, तो इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालते हुए वो निकालना, वो डिवोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ इकट्ठा एक ही जगह पर पड़ा हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा सेंटी होती हूँ कि अल्लाह ताला की मसीहत है, अल्लाह ताला ही जानता है। हम इंसान जो है ना वो बस ऐसे हो जाता है, बस इस मज़ूम के लिए होता है दुख कि इसका क्या है। खैर मुझे स्ट्रॉन्ग होना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा दिल हर्ट होगा, बस इसको उठाती हूँ जल्दी से, बहुत ज़्यादा खुशी है इसको स्कूल की, उठाती हूँ इसको जल्दी से, जल्दी से जाके ना इसका एडमिशन करवा के आते हैं। A few moments later. अरे मैं कहती है कि ना आज अभी चलते पापा मम्मा के घर, मैंने कहा नहीं पापा कोटे कोटे ऑटो नीचे आके अम्मी को कहती है कि माँ जी नहीं जाना था हमने पर मैं जा नहीं सकती, कोटे कोटे ऑटो है। यहाँ पे हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए, डॉक्यूमेंट सारे मैंने पकड़ लिए हैं, हम निकल रहे हैं। यस, और यहाँ पे हिबा की जो मस्तियाँ हैं ना वो शुरू हो गई हैं, बारिश शुरू होगी स्कूल में और ये मैडम जोंस ने यहाँ पे इंजॉय करने लग गई, वो देखें जरा। हिबा वापस आ जाए, आ जाए। One hour later. यहाँ पे ना बहुत तेज बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हिबा का एडमिशन हो गया। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक बहुत बड़ा फ़र्ज था जो अल्लाह के करम से, आपकी दुआओं से, आपके साथ से पूरा हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुई, खुशी भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब मैं उसको बेफॉर्म वगैरह ओरिजिनल संभालने के लेते हैं, चलिए आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें। बाकी जो उसकी सारी बुक्स हैं इसके स्टेशनरी स्कूल में सबमिट करवाएं, बुक्स ले आएँ, बाइंडिंग होने के लिए गई हैं, यूनिफॉर्म वगैरह ईच एंड एवरीथिंग रेडी है। सो वो इंशाल्लाह हिबा का डे फर्स्ट होगा स्कूल का। अभी मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी, फिर अभी नहीं थोड़ी देर बाद, अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ। इस टाइम हो रहे तकरीबन 11:30 12:15 ये टाइम हो रहा है, तो इस ये टाइम है और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। सुबह 7:30 से 7:30 से उठी हुई,
अभी तक नाश्ता नहीं किया, अब नाश्ता करती हूँ। बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज, तो ये बार स्कूल में बारिश में नहाई, आगे उसको नहलाया, फ्रेश करवाया, और उसके बाद जो है ना चल सो सर उसको नाश्ता करवाया। अब मैंने कहा नाश्ता करना है, तो मैंने कहा चलो पहले जाकर उसका बेफॉर्म ओरिजिनल संभाल देती हूँ। बारिश उनके पंडाले से पानी किस कदर तेज बह रहा है ना, बारिश हो रही हूँ यहाँ पे, नाश्ता रेडी हो गया हुआ। अम्मी हिबा को मना बाहर दिखाने गई हैं, गेट खोल के बारिश, कहती मैंने बारिश देखनी है। अम्मी के लिए गर्म किया गया और साथ में आलू शिमला मिर्च, मैं अपने लिए सिर्फ आलू और शिमला मिर्च गर्म कर रही हूँ, और गर्म होता सर फिर नाश्ता करता है। चाय भी ऊपर रख दी, कहवा चाय बन रही है, कहवा बनता फिर अंदर दूध डालते हैं, फिर नाश्ता रेडी करते हैं। अभी जो मैं नाश्ता करने लगी हूँ, मैंने आलू शिमला मिर्च गर्म कर लिया, और हिबा आटे की गोलियाँ बना रही है। चूहे के लिए बना रही हो, चूहों को खिलानी है, फिर खिलानी है आटे को, आटे की चूहों के लिए होती है, चूहों को मारने के लिए। मैं कर तो चूहा आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता, हमने रास्ता बंद किया हुआ चूहों का। फिर ये इनको खिलाने, इनको खिलाने। 2 hours later पे मैंने ना चीज़ मंगवाई हुई थी, ऑर्डर किया हुआ था, कल ऑर्डर किया, आज ये आपको डोर स्टेप पे फ्राहम कर दिया इन्होंने, और कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। अच्छा कि कंपनी जो उधर से मंगवाया, ये पिज़्ज़ा चीज़ 70% मोजरेला और 30% चेटर चीज़, इसके साथ डील में मंगवाई है 2950 रुपये में, मुझे 2 kg मिली है। अगर यहाँ से इतना आधा किलो मुझे 1500 रुपये की चीज़ पड़ रही है, तो इस वजह से मैंने इकट्ठी मंगवा ली है ये 2950 रुपये की, और इसको मैं अब रख दूँगी फ्रीज़र में, और जब हिबा को पिज़्ज़ा बना के देना, अब स्कूल में जाइए, स्कूल एडमिशन है उसका, स्कूल में डिफरेंट चीज़ें बना के दिया करूँगी, तो उसके लिए यूज़ होगी, इसलिए मैंने इकट्ठा मंगवा लिया। और ये क्रश चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है 70% मोज़रेला और जो 30% चेटर चीज़, ये है पिज़्ज़ा मिक्स, और इसके साथ डील में मुझे ये मतलब एक पाओ चीज़ जो है 200 ग्राम चीज़ ये फ्री मिल रही थी, जो कि मैंने मोज़रेला ही मंगवाई, ये मुझे 2950 रुपये में मिला है। बहुत अच्छी डील है, मार्केट से कभी भी इस रेट में आपको 2 किलो चीज़ नहीं मिलती है, मुझे 2.25 किलो मिल रही है इस रेट में। मैंने खाली मोज़रेला चीज़ जो ये 200 ग्राम की है ना, ये आपको मार्केट में खाली 700 रुपीज़ का मिल रहा है, खाली ये वाला पैक 730 बल्कि इस रेट में मिल रहा है, 700-730 ये रेट मिल रहा है। ये तो बहुत ही मुनासिब है कि 700 का ही है, साथ में 2 किलो चीज़ आपको 2950 में, इट्स लाइक मुफ्त, बहुत ही सस्ता रेट है, बहुत अच्छा रेट है इनका। पकौड़े बना रही हूँ, आज फिर बारिश हुई, कल बारिश हुई, इतना दिल था पकौड़ों का, आज सामान मैं ले आई थी, फिर बारिश हुई, आज फिर पकौड़े बनाते हैं, पकौड़ों का सामान काट रही हूँ, मैंने अपने अंगूठे पे भी कट लगा लिया हुआ है, साथ साथ हम देख रहे हैं अपने व्लॉग हिबा का फोर्ट्रेस वाला, और साथ साथ ये चीज़ें काट मिक्सर रेडी हो गया, लाइक सारी सब्जियाँ काट ली हैं, बैंगन आलू प्याज अनारदाना सूखा धनिया जीरा डाल दिया इसके अंदर, बस अभी नमक मिर्च और हल्दी और चाट गर्म मसाला डालना है इसके अंदर, और साथ में बेसन पड़ा हुआ बेसन भी डालती हूँ। यहाँ पे फ्राई से बने फरमाइश के आलू को मैंने नमक लगा के रखा है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन स्प्रिंकल करूँगी उसको फ्राई। मायनीज वाले देने हैं आपने? नहीं मायनीज वाले नहीं है। अब हम पकौड़े बनाते हैं फटाफट से, पकौड़े डालते हैं, फ्राइज आपके बनते थोड़े से ठंडे होते हैं, फिर मैं आपको प्लेट में फ्राइज डालनी बेटा, थोड़े से ठंडे होते डालती हूँ ना, बहुत ज़्यादा हॉट है इस वजह से, पकौड़े डाल लेते हैं ना अभी। जल्दी जल्दी पकौड़े डालते हैं, और आयशा देख रही हैं आप, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बारिश के मौसम के बाद ना, बारिश के बाद पकौड़ों का ना मज़ा ही और है। पकौड़े डाल दिए, फ्राई हो गए, ये फ्राई हो गए मैं, बहुत यमी क्रंच है, बहुत क्रिस्पी जो है ना। यहाँ पे पकौड़े रेडी हो चुके हैं, सामने कुर्बानी की चटनी निकाली है मैंने, और इसको डीप फ्रोस्ट किया है, बस मल्ट बर्फ बनी हुई थी, तो आप पकौड़े खाते इंजॉय करते हैं, यहाँ तक सेक आ रहा है पकौड़ों का। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये हिबा के स्कूल का सारा सामान है, हिबा का स्कूल बैग, हिबा के वाटर बॉटल, हिबा के टिफिन्स, एक बड़ा टिफिन लिया एक छोटा, जिस तरह उसका मूड होगा उस तरह चीज़, और ये केचप की जी बॉटल्स हैं, उसको केचप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो केचप डालने के लिए बॉटल्स मैंने साथ रख ली हैं, और इसके अलावा हिबा की बुक्स आ गई जी, प्ले ग्रुप की, पीजी की बुक्स आ गई, कॉपीज़ आ गई, और
जो बुक्स बाइंडिंग करवाने को कहा था वो सारी बाइंड करवा ली हैं, और अब इसके ऊपर नाम लिखते हैं जी हिबा का, और इसको रखते हैं जी। मैं स्कूल में एडमिशन करवाई हूँ इलाइट स्कूल के अंदर, और गाई पता यूनिफॉर्म से पता चल ही जाएगा कि इलाइट का है, स्कर्ट है, ये है, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अपनी बच्ची के लिए टाइट रखवाई है स्कूल में। बींग अ सिंगल पेरेंट मेरे लिए ईजी नहीं है ये स्टेप लेना कि कोई भी आए मेरी बच्ची के साथ अपना रिश्ता शो करके और स्कूल में एंट्री मार ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने सिक्योरिटी सारी टाइट करवा दी है अपनी बच्ची के लिए, और ये सारा सामान है जो मेरी बच्ची का, सॉक्स, शूज़, सर्विस के टाइट्स, ब्लैक टाइट्स हैं, ब्लैक शूज़, ब्लैक सॉक्स, रेड पोनी है, पोनी अभी तक मैंने नहीं ली, और ये सारा कुछ सामान है जी हिबा का माशाल्लाह से, अब सुबह से स्कूल जाएगी। हाँ, हिबा के ज्योमेट्री बॉक्सेस, ये ज्योमेट्री बॉक्स है एक है, और एक ये ज्योमेट्री बॉक्स है इसका, और रखी हुई हैं उसके लिए चीज़ें, उसने पेंसिल्स रखी हुई हैं घर में जो पढ़ती है, तो ये है। इसके अलावा एक ये है, बहुत ही क्यूट लगा था मुझे। ज्योमेट्री बॉक्स कुछ अंदर से इस तरह से है, यहाँ से खुल जाता है यूँ, ये पॉकेट में देखिए लिया, मुझे अच्छा लगा था इसमें लिल में कलर्स वगैरह के लिए ठीक रहता है, बट अब स्कूल में स्टेशनरी इधर जमा करवानी है, मैंने पहले का लिया हुआ पैक के अंदर ऑलरेडी उसने बुक्स डाली हुई हैं जो कि वो पहले पढ़ती है घर में, लाइक इस तरह की बुक्स उसने बैग में अपने सारी कलेक्ट की हुई हैं, ये 1 ईयर की तब से उसके पास है माशाल्लाह से, और वो पढ़ती है इसको, तो ये मैं अब निकाल के बैग में ये सारी चीज़ें रखती हूँ, एडजस्ट करती हूँ ताकि उसका बैग रेडी हो उस पर स्कूल जा सके। मैंने सारी बुक्स पर नाम लिख दिया है, सैयद हिबा अली प्ले ग्रुप, और इन तमाम कॉपीज पे बुक्स पे हर जगह पे नाम लिख दिया है। बच्चा जो वो सो गया है, सोच रही हिबा का यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँ, प्रेस करके रखूँ ताकि सुबह कोई मसला ना हो, लाइट हो या ना हो कोई पता नहीं, अभी प्रेस करके रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दिल घबरा ही जा रहा है मेरा, सुबह सदका देती हूँ तो सुकून थोड़ा आएगा, बहुत बेसकून हूँ। बीबा को अपने से दूर नहीं किया, गई है सिस्टर के घर, गई है बहन है, पता है कि सेफ हैंड्स में है, वो भी पता है सारी दुनिया के बच्चे जाते हैं, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा मेरा। हिबा को सुलाने के बाद, हिबा का यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई अपने ब्लॉग को एंड करने के लिए। आज का दिन बहुत 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 लंबा था, कुछ बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, कुछ कहीं भी इमोशनल टच था, तो बस इसी तरह दिन गुजरता गया। अब रात के 2 बज रहे हैं जब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, और सुबह 7 बजे की उठी हुई हूँ। दोपहर को थोड़ी देर हम सोए थे, हिबा और मैं दोनों सोए थे, क्योंकि हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, क्योंकि रात को हम लेट सोते हैं। मैं सुबह 5-6 बजे सोई थी, देन मैं अगेन 7 बजे उठ गई, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इस वजह से मैं दोबारा सो गई थी। दिल घबरा ही जा रहा है, सो के उठी हूँ तब से दिल घबरा ही जा रहा है कि अब थोड़ा टाइम है हिबा के स्कूल जाने में। मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरी भांजी मेरी सिस्टर की बेटी जब वो स्कूल गई थी, मेरी सिस्टर बहुत इमोशनल थी, वो रोती थी, वो स्कूल गई है उसको छोड़ के रोती थी, मुझे कॉल करके कहती है कि हुमा मैंने उसको स्कूल भेज दिया है, मेरा दिल नहीं लग रहा, और ये वो सब। मैं हंस रही थी उस वक्त, मैंने कहा दिल बड़ा करें, कुछ नहीं होता, सब बच्चे जाते हैं। आज खुद पर जब बीत रही तो मुझे इस चीज़ को रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई माँ के लिए आसान नहीं होता। वो माँ जो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती है, उस माँ के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि मेरी सिस्टर उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते थे और वो यहाँ पे अकेली उन्होंने बच्ची को अपने मतलब पाला, तो वो बहुत ज़्यादा अटैच थी। हस्बैंड हो तो फिर थोड़ी सी अटैचमेंट कम हो जाती है, डिवर्ट हो जाता है इंसान, ठीक है, और जो जब हस्बैंड ना हो तो फिर बच्चे के अंदर पूरी दुनिया होती है, तो फिर जो है ना आप ज़्यादा अटैच होते हो। तो इस तरह सिस्टर मेरी बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो वो जब बच्चे को स्कूल छोड़ के आई तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो आज मेरा भी यही हाल, मुझे लगता है मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी, और कल मैं उसको किस तरह छोड़ती हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही कुछ भी, कभी मेरे बगैर रही नहीं है, सारी दुनिया के बच्चे जाते हैं मुझे पता है, पर पता नहीं मेरा दिल घबरा ही जा रहा है। सुबह सदका वगैरह देती हूँ ताकि आसानियाँ हों। मेरे नियरेस्ट ब्रांच थी स्कूल की, मैंने वहाँ पे एडमिशन नहीं करवाया, उसकी रीज़न सिक्योरिटी रीजंस, मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी दुश्मनी में मेरे बच्चे का सब कुछ बुरा हो, तो इस वजह से मैंने ऐसी जगह पे एडमिशन करवाया जहाँ पे किसी कोई सोच भी नहीं सकता। थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा आएगा कन्वेंस वगैरह का, खैर है, बट इस तरह मैं अपनी बच्ची के साथ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला तमाम बच्चों के नसीब अच्छे करें। बहुत 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 ज़्यादा ना
अजीब सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। यूनिफॉर्म प्रेस करी थी, रो रही थी, बाकी सुला आई थी, रो रही थी, बा कहती मम्मा आप क्यों रो रही हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रही मुझे, इतनी प्यारी मेरी बेटी, जल्दी बड़ी हो गई, किसको स्कूल भेजाना है। मुझे याद है मैं भी स्कूल जाते हुए बहुत रोती थी, मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी के साथ स्कूल जाते हुए रोऊंगी। समझ नहीं आ रही, मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। कल इंशाल्लाह अल्लाह ही बस स्कूल जाएगी, यूनिफॉर्म में कैसी लगेगी बस ये सोच रही हूँ, इस तरह की फीलिंग्स है कि कैसी लगेगी वो यूनिफॉर्म में, कितनी प्यारी लगेगी माशाल्लाह। तो वो रेडी करते हैं उसको, फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे और खुद भी देखूंगी कैसी लगती है। तो अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन थी मुझे उसके एडमिशन की, कि उसका एडमिशन हो जाए, और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एनजाइटी में, डिप्रेशन में भी चली गई थी सिर्फ उसके एडमिशन को लेकर। पर अल्लाह ताला वसीले लगाने वाला, अल्लाह ताला रास्ता बनाने वाला, अल्लाह ताला के करम से सब कुछ हो गया और अब फाइनली कल वो स्कूल जाएगी। और वो दिन आ गया जिसका सब मुझे कमेंट सेशन में कहते थे, डीएम्स में कहते थे कि वह स्कूल दाखिल कर दे बहुत बड़ी होगी, स्कूल दाखिल कर दे बहुत बड़ी होगी। तो अभी 4 ईयर्स की कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले मैं स्कूल दाखिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अपना माइंड सेट ऐसा था कि मैंने 4 ईयर्स का उसको स्कूल एडमिशन करवाना, उससे पहले नहीं करवाना। तो इस वजह से मैंने उसका एडमिशन का पहले इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया, और जब मैंने किया तो मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली। मैं अब लोग यहाँ पेंट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे, लाइक कर दूँगा, सेशन और सेशन में तो पता चल मेरे को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल करें, शेयर करनी ब्लॉग के साथ, फिर से बोलेंगे तब तक के लिए हाफिज़।